माई कुकिंग एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज की हमारी रेसिपी है पनीर मसाला। ये बहुत कम मसालों के साथ बनने वाली और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है, पर यह देखने में और इसका टेस्ट जो है खाने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे 15 मिनट से भी कम समय लगा है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी में हमने क्या क्या यूज़ किया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी के साथ ही लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज छोटे छोटे कटे हुए, 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही में हमें चाहिए 8 से 10 दाने काजू के और उतनी ही क्वांटिटी का बादाम। ग्राइंडर जार में हम काजू और बादाम को डाल देंगे। पहले इसे हल्का सा ड्राई घुमाएंगे, फिर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे और इसे एक अलग कटोरी में निकाल के रख लेंगे। दूसरी एक कटोरी में 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक गाढ़ा पेस्ट जैसा तैयार करेंगे। सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। चलाते हुए प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला दें। थोड़ी देर चलाते हुए इसे और भूनेंगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। प्याज टमाटर को और अच्छी तरह से पकाने के लिए हम गैस स्टोव के फ्लेम को लो पे करेंगे और ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन खोल दें और एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्टेज में हम इसमें करीब 25 ग्राम मक्खन डालेंगे। चलाते हुए सभी चीजों को अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर हमने जो धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का पेस्ट बनाया था इसे इसमें मिला देंगे। फिर से सभी चीजों को हमें और अच्छी तरह से मिलाना है। आप देख सकते हैं मसाला भी भुन चुका है। स्टेज में मैं इसमें आधा ग्लास गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी इसमें डाल दूंगी। मसालों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लें। फिर हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर के साथ सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर हम कुक करेंगे, फिर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा छोटे चम्मच से भी कम गरम मसाले का पाउडर मिलाएंगे। अच्छी तरह से और एक बार मिक्स करें, फिर इसको ढक्कन लगा दें और 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें। 3 मिनट बाद ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए सारा तेल अभी ऊपर आ गया है और हमारा पनीर भी पक्के अभी तैयार है। फिर स्टेज में इसमें हल्का सा क्रश करके कसूरी मेथी मिला देंगे। अच्छी तरह से और एक बार मिक्स करेंगे। बस गैस स्टोव बंद करेंगे और ढक्कन लगा के ऐसे ही 2 मिनट रहने देंगे ताकि कसूरी मेथी का पूरा स्वाद पनीर में आ जाए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके अभी तैयार है। कितना बढ़िया पनीर का मसाला तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें सच में 15 मिनट से भी कम समय लगा है।
तो अगली बार जब आपको कुछ टेस्टी खाने का मन हो और समय बहुत कम हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।